वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको निर्जला एकादशी के दिन क्या करें, किस प्रकार करें निर्जला एकादशी की पूजा, तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत विधान करके कैसे आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इसे भीमसेनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना गया है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी पर निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और दीर्घायु और मोक्ष का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। निर्जला एकादशी का एक वर्ष रखने सभी आने वाली एकादशियों व्रत का फल इस एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है और इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा अपने भक्तों के ऊपर सदैव बना रहता है। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की जल चंदन फूल तिल भगवान को अर्पण करें, भगवान को पुष्पों की माला अर्पण करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, भगवान को जनेऊ चढ़ाएं और पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पण करें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करते हुए हर चीज भगवान पर अर्पण करें। उसके बाद भगवान को धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान के ऊपर चढ़ाएं और निर्जला एकादशी की कथा श्रवण करें। फिर भगवान का आरती करें। इस दिन भक्तों को नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। बहुत ही नियम और निष्ठा से इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर घर के सारे कलह और क्लेश को खत्म कर देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। घर में लहसुन प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनवाए। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे कपड़ों का ही प्रयोग करें। निर्जला एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें तथा सभी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री शुद्ध और साफ ही प्रयोग में लाए। निर्जला एकादशी का व्रत विधान करने और फल अन्न आसन जूते छतरी और शरबत आदि का दान करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ सभी पापों का नाश हो जाता है। एक चकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र 3 बार लिखे। अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बाद में यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रख ले। धन धान की वृद्धि के साथ साथ रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु का यथाशक्ति विधिवत भगवान का पूजन करें। अगले दिन द्वादशी सूर्योदय होने पर व्रत का पारण करें, गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान दें। यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।